मतलब हो गया, हम मतलब शुरू से चांदनी चौक आते रहते हैं, खाने के लिए फेमस है, बट ये हमने थोड़ा टाइम पहले एक्सप्लोर करा था और इसका टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगा। इट वॉज माइंड ब्लोइंग, मतलब इतनी जगह पे हमने छोले भटूरे खाया है बट इनका टेस्ट कुछ अलग है, यूनिक है। जैसे अभी हम और भी जगह के खाए हैं हमने, दिल्ली में तो छोले भटूरा फेमस है बट इनका मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा। तो हम लोग कई बार यहाँ पे बार बार आते रहते हैं, जब भी आते हैं तो लगता है छोले भटूरे खा ले यहाँ से। नमस्कार भाइयों, क्या हाल है आप सभी के। आज हम आए चांदनी चौक की चटपटी गलियों में, मतलब हम आए तिवारी छोले भटूरे वालों के यहाँ पे, मतलब पराठे वाली गली इनके नाम से जानी जाती है। बाकी आप भीड़ देखो, भीड़ कितनी है दुकान के बाहर। तो दोस्तों आ गए हम तिवारी छोले भटूरे वालों जी के पास, गाइस हमारे छोले भटूरे लगने वाले हैं। बाकी आप भीड़ देखो, भीड़ कितनी सारी है। हेलो ब्रो, देखो भीड़ देखो कितनी सारी है। बाकी हम अपने छोले भटूरे, बाकी हम अपने छोले भटूरे लेते हैं और आपको खाके एक्सपीरियंस बताते हैं। तो गाइस आ गई है हमारी प्लेट, आप देख ही सकते थे कितनी भीड़ है, मतलब धक्का मुक्की में हमने प्लेट ली आपकी अपनी। तो हम खा के आगे टेस्ट बताते हैं, मतलब अगर आप यहाँ पर आए हैं और आपने छोले भटूरे यहाँ के नहीं खाए तो समझो आपने कुछ नहीं खाए। छोले भटूरे इतनी जगह खाए, मतलब यहाँ का कोई तोड़ नहीं है अल्टीमेट। मतलब छोले भी जो उनके भटूरे हैं वो भी बहुत मुलायम से हैं, मतलब बहुत जगह क्या होते हैं ज़्यादा करारे कर देते हैं, मतलब करारे हैं पर करारे के साथ साथ मुलायम है। मतलब यहाँ पर आके पैसे वसूल, अगर आपने यहाँ के छोले भटूरे खा लिए, यहाँ का प्राइस है आपका 90 रुपये। तो गाइस एक इनमें क्या है, मतलब पनीर, मतलब मिक्स करके पनीर भी मिला रखा भटूरे में, मतलब अल्टीमेट बना रखे जबरदस्त, मतलब बहुत सॉफ्ट है, क्वालिटी अच्छी है। और बहुत से क्या करते हैं, ऑयल में पकाते रहते हैं, पकाते रहते पकाते रहते हैं, ऑयल काला हो जाता है पर फिर भी पकाते रहते हैं। यहाँ क्या होता है, कुछ हद तक पकाते, कुछ हद तक तलते हैं, जैसे इन्हें लगता है ना ऑयल काला हो गया तो उस ऑयल को चेंज करके दोबारा न्यू ऑयल डाल के फिर दोबारा बनाते हैं। मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ये है कि यहाँ का बाहर का खा के, बहुत से कहते हैं ना बाहर का खाते हैं नुकसान देता है, आप यहाँ के छोले आग नीच के खाना, कोई नुकसान नहीं, बेहतरीन छोले बनाते हैं। बाकी आप आना और हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो गाइस हमने तो छोले भटूरे खा लिए, हमें लगे जबरदस्त अल्टीमेट। बाकी हम मैम का रिव्यू लेते हैं, मैम को कैसे लगे। हेलो मैम, क्या नाम आपका। अनुष्का। तो मैम कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे खाने। हम तो मतलब हो गया, हम मतलब शुरू से चांदनी चौक आते रहते हैं, खाने के लिए फेमस है, बट ये हमने थोड़ा टाइम पहले एक्सप्लोर करा था और इसका टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगा। इट वॉज माइंड ब्लोइंग, मतलब इतनी जगह पे हमने छोले भटूरे खाए हैं बट इनका टेस्ट कुछ अलग है। जी नहीं, जैसे बहुत से क्या करते हैं, तेल को, तेल काला हो जाता है फिर भी सब पकाते रहते हैं, पर वो चीज हमने यहाँ नहीं देखी। टेस्ट थोड़ा यूनिक है, जैसे अभी हम और भी जगह के खाए हैं हमने, दिल्ली में तो छोले भटूरा फेमस है कहीं पे भी, बट इनका मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा। तो हम लोग कई बार यहाँ पे बार बार आते रहते हैं, जब भी आते हैं तो लगता है छोले भटूरे खा ले जी। तो आप कभी आना हो चांदनी चौक में तो तिवारी जी के छोले भटूरे खाने मत भूलना।
बाकी हमारे भैया मिले हैं गुजरात से, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम जय है, मैं सूरत से आया हुआ हूँ जी। और सूरत से आने के बाद मैं दिल्ली में हर जगह घूमा हूँ जी। मुझे इसके छोले भटूरे अच्छे भी लगे, और प्लस पॉइंट ये है कि ये गर्मा गर्म पूरी, गर्मा गर्म बिल्कुल, और दूसरी बात गर्मा गर्म पूरी दे रहे हैं, फास्ट सर्विस भी है, और काफी साल पुरानी दुकान है, 100 साल पुरानी है। सभी को मैं कहना चाहता हूँ एक बार आके ट्राई करना चाहिए और खाना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो आप भी आना और हमें खा के बताना आपको कैसे लगे। और सभी को, हम लोग सूरत से है और पहली मिले मुलाकात हुआ है निकेतन भाई से, निकेतन भाई से बात हुई, और इनकी जो चैनल है भूखा भालू, सब आपको इनसे विनती है सब्सक्राइब जरूर करना, और सभी को विनती है फुल भाई को सपोर्ट करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।